खबरों का रुख कर लेते हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने खोला मोर्चा। राजधानी रायपुर के प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों ने काम भी बंद कर दिया है। काम बंद कर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में धरना प्रदर्शन, मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे अधिकारी कर्मचारी से बातचीत की हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा ने। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मोर्चा खोल दिया। राजधानी रायपुर में मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग को लेकर आज काम बंद कलम बंद का आह्वान किया है। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम का तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के, और कुछ अधिकारियों से बातचीत करें। हमारे साथ कमल वर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ, और आप लोग अपनी मांग को लेकर अड़ गए हैं। क्या कुछ मांग है जिसके कारण से आप लोग फिर से एक बार धरने पर बैठे हैं? देखिए, हमारे पास जो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग आज प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र बनाया गया है। आपको पता है मोदी जी कौन है, ये सिर्फ देश के लीडर नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं, और उनके नाम से जो है पूरा डंका बजता है विश्व में। यदि उनके नाम से आपने घोषणा पत्र बनाया है हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के लिए, तो घोषणा पत्र पूरा होना चाहिए। हमारा 4 सूत्री मांग है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के शासकीय सेवकों को 4% महंगाई भत्ता देय तिथि से मिले, जो 2019 से डीए का एरियर्स है उसको जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 240 दिन जो अर्जित अवकाश नकदीकरण है वो 300 दिन किया जा चुका है, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू किया जा चुका है। हम चाहते हैं इस प्रदेश में भी दोनों आदेश जारी हों, और जो गृह भाड़ा भत्ता है वो केंद्र के समान जो है रिवाइज होना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हैं कर्मचारी है, अधिकारी है, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी गारंटी लागू करने की बात को लेकर के अपने अपने जो कपड़े हैं उसमें बैज भी लगाए हैं, और तमाम जो मांगे हैं उनको भी इसमें रखा है। कुछ महिला कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। अधिकारी किस तरीके से देखते हैं, क्या लग रहा है कि शायद सरकार आप लोग की मांगों को लेकर संवेदनशील लग रहे हैं? हम उम्मीद तो करते हैं कि शायद सरकार हमको आज की हड़ताल के बाद जरूर वार्ता के लिए बुलाएगी। देखिए, फेडरेशन का एक टोकन स्ट्राइक के माध्यम से हमारे सरकार को चेतावनी, हम तो ये भी कह सकते हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती समय रहते तो निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। जिले स्तर, ब्लॉक स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर में भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोल दिया, और सरकार के साथ ये आर्थिक करने की तैयारी कर रहे हैं कि मोदी गारंटी लागू करना होगा, तभी हमारे जो प्रदर्शन है वो खत्म होगा। केवल संदीपक के साथ टिकेश्वर बंसल, रायपुर, छत्तीसगढ़।